हे फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग पे। आज हम लोग निकल गए हैं थोड़ा सा मार्केट में पैदल टहलने के लिए। रोज कार से जाते थे, कभी उससे जाते थे, ई रिक्शा से, आज पैदल ही जा रहे हैं। कभी कभी जाना चाहिए, पैदल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आज मैं बदना जी को इतना पैदल घुमाऊंगा कभी सोची न होगी। क्यों नहीं सोचेगा, घूमे नहीं है क्या? वैष्णो देवी तक पैदल ही गए थे। मुंबई सोचो, जो हम लोग बम्बई में गए थे कितना पैदल घुमाए थे। एक मुझे पीला कलर चश्मा लेना है जी, यहाँ से घूमने जाएंगे ना। चलो पीला चश्मा लगाएंगे, अच्छा लगता है। पीला चश्मा लगाएंगे, लुक्खा बनोगे क्या? लुक्खाइन बनेंगे, लुक्खाइन। पीला चश्मा लुक्खा लोग लगाते हैं, जरूरी नहीं, अच्छा लगता है। धूप में वीडियो बनाओ, रील्स वगैरह अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक हम लोग पैदल चलेंगे क्योंकि गाड़ी मोटर आ रही है बहुत आगे पीछे। तो आज मंगलवार है, मंगलवार को जो यहाँ पे दुकानें हैं, और लास्ट मंगलवार है ना, इसकी वजह से बंद है। अगर सेकेंड थर्ड होता ना तो थोड़ा बहुत खुला रहता है। अच्छा। तो दिल्ली में जिस एरिया में हम रहते हैं लास्ट मंगलवार को पूरा बंद रहता है। अभी देखिए रोड एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, यहाँ पर ज़्यादा आपको गाड़ी घोड़ा बनाने वाले ये डरती बहुत है। तो रोड वोड बंद है, खाली है, तो बड़े चौड़े में चल रही है एकदम। भाई देखो उधर से गाड़ी भी आ रहा है, केवल घोड़ी बग्गे वाले खुले हुए हैं। भाई सीजन में जो शादी करेगा क्या होगा उसका? वाह है तो शादी सजा चुका है मंडप, वो कुछ और है जी, मंदिर है वो। हाँ। क्या लिखा है? शिव कृष्णा मंदिर। तो मार्केट में आज बहुत जबरदस्त भीड़ होगी क्योंकि आज लास्ट मंगलवार है। बात करते करते यहाँ पहुंच, लास्ट मंगलवार को बहुत भीड़ रहती है। आज इनको हम घर से पैदल ही लेके चल दिए हैं, हमेशा गाड़ी में रानी की तरह बैठ के जाती है, जाना चाहिए। गाड़ी आ रहा है, ध्यान दो। चलिए मिलते हैं मार्केट में। यहाँ देख सकते हैं मार्केट जो बाहर लगता है लास्ट मंगलवार को, उलते उलते लाइट भी ऐसा लगा दिए हैं, समझ में नहीं आता। देख सकते हैं भीड़, पता नहीं क्या बिक रहा है, टी शर्ट शर्ट। पूरा मार्केट बाहर ही लग गया है, दुकानें देख सकते हैं बंद है। ले लो, अरे क्या करेंगे, पैर दुखता है। दुकानें बंद है, केवल बाहर का जो मार्केट है वो लगा हुआ है, इसमें सस्ता मिलता है सामान, क्या फायदा। और ऐसा सामान मिलेगा कि लेने का मन ही नहीं करेगा। भीड़ भी लगा हुआ है, चलो भैया। तो वड़ा पाव यहाँ भी आ गया है, देख सकते हो, मुंबई का वड़ा पाव। दिल्ली में पहले वड़ा पाव नहीं मिलता था, अब हर जगह वड़ा पाव मिल रहा है। ये तो डरती रहती नहीं तो ये हमारे घर के पास में मदनगिर डीडीए मार्केट है, जो कि आज लास्ट मंगलवार है। सब जो दुकानें हैं वो बंद है, बाहर दुकानें लगी हुई है। क्या ले रही हो जी? अभी तो लेके गई, देख रहे हैं, कॉटन नहीं, कॉटन होता जरूर। अरे वो दिख गया मुझे, दिखता नहीं है। पिंक कलर लेने जाओगे ना तो मिलेगा। ग्राहक तो आना क्या, स्कूटी निकाल। तो गाइस याद करते रहे, एक जने आए रहे ना तुम्हारे फ्रेंड दुकान के, उनकर भैया बचे हुआ थी नाम का, वो भैया अमित भैया वहाँ चला गया है, बचे हुआ। लेकिन काफी दिन हो गया है, अब लगा था कि आवे वाला है नहीं, कुछ दिन आने। अच्छा मिल गए, आ भी गए देखो। हम बोले कि गुलगप्पे भैया याद कर रहे होंगे। पैदल आए हैं, पैदल आए खाने, आवे केवल गुलगप्पे खाने आपके लिए। तो गाइस देखिए, और प्राची कहाँ है, क्या नाम है? सोनाची, वही हट्टो के घर है, सपोर्ट बच्चे वहीं पर हैं। प्राची सोनाची, 50 रुपए का ना मैडम, सब लोग अपने चाचा के घर। आपने याद किया, चाचा के घर गए। गर्मी इतनी है,
20 का 6 मोमोज वाले भी बहुत भीड़ है, लाइन लगा हुआ। सब लोग कहेंगे बंदा जी की डाइटिंग कहाँ आ गई, डाइटिंग करते करते थक गए भाई, अब थोड़ा सा खा लेते हैं नहीं तो परेशान बहुत हो जाएंगे। इनके गोलगप्पे इतने अच्छे हैं कि भैया हम लोग पैदल चल के आए खाने के लिए 2 किलोमीटर, और गर्मी भी बहुत है, सोचो कार पकड़ी किराया दे देना आप। खा लेते हैं, अच्छा खिलाएंगे ना तो किराया निकल जाएगा। हाँ लेकिन लाल मिर्च मत डालिएगा हमारे में। अच्छा ये देखिए जी, मार्केट करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं रिक्शे में बैठ के। बाप रे कैसे यहाँ से भीड़ से निकले, कैसे बहुत जबरदस्त भीड़ थी। मेरा तो पेट भर गया, आपका भर गया पेट? तो मार्केट से आ गए, यहाँ से हम लोग पैदल ही मार्केट गए थे, फिर उधर से रिक्शा करके चौराहे तक आ गए, फिर चौराहे से पैदल अंदर आ गए। तो हाथ मुँह धोने, तो जैसे हम लोग घर पे पहुँचे वैसे ही सोनाक्षी का फ़ोन आया, बोल रही है कि ऋषभ बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है। ये परसों ही बोली थी मुझे जाने के लिए, मैं बोला रहने दो, एक तारीख के हम लोग जब जाएंगे तो साथ में लेके जाएंगे, तो वो कह रहा मेरा मन नहीं लग रहा है। ये देखो रो रो के एकदम, क्यों रो रहा है ये? कल इंतजार भी कर रहा था, नहीं गया, फिर सुबह देर किसी से बात नहीं किया, फोन किया था, रो रहा है। कल आ जाएंगे ठीक है? कल कहाँ जाएगा? अरे कल चाचा के साथ आ जाना, नाच लिया यहाँ और ना कहा थे, क्यों नहीं ले आएंगे? कल से ही बोल रहा है आज 10 बजे मम्मी आएंगी, कल नहीं आए तब तक सुबह किसी से बात ही नहीं कर रहा था, और अभी को फिर देखो 10 बजने वाला है, वेट कर रहा है, नहीं आया इसलिए रो रहा है। बस अब बहुत हुआ, अब सब्र नहीं होता, अब तो लाना ही पड़ेगा अपने बच्चे को मुझे। सबर के बाहर फूट गए पास से जो आप बात को रेस्पो नहीं कर रहे हैं ना। एक छोटी देखो इतने दूर से आके ऐस कर रही है और हमारे बच्चे वहाँ जाके रो रहे। ये आपकी गलत सोच है जीजू, ये रो रहा है इसकी इसमें गलती है, मेरी गलती नहीं है। अरे मजाक कर रहे हैं, तुम तो सीरियस हो गई एकदम, तुम सयान हो गई, वो बच्चा है। आपने कहा था कि मैं आऊंगा, पर आपने आया नहीं ना, तुमने बुलाया ही नहीं मुझे। अरे मेरे घर बोलना चाहिए ना जीजू आ जाओ, ये रो रहा है इसकी खातिर, एक बार भी बोली जीजू आ जाओ। अभी भी नहीं बोल रही हो, जीजू आ जाइए, हो गया, इसमें फीलिंग नहीं आ रही है। फीलिंग वाली क्या बात है, इसको कल भेज देना इसके चाचा के साथ, हम आ जाएंगे लेने। लो यार बात करो, जा लेके आओ लड़का। तो ऋषभ काफी रो रहा है, वरना जी बात कर रहे हैं, और मिलते हैं बहुत जल्द न्यू ब्लॉग के साथ। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, सबको करते हैं बाय बाय।